जन्म तो लाहौर में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। वहाँ पर स्कूल की शिक्षा मेरी केवल चतुर्थ श्रेणी तक हुई। इसके बाद हमारे पिताजी ने सोचा कि पारंपरिक संस्कृत की शिक्षा ही मुझे ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पिता का धर्म भी निभाया और गुरु का, तो उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई सिखाई और बचपन में ही मैं संस्कृत बोलने लग गया था। देखिए, मेरा लेखन बहुत ही कम उम्र में प्रारंभ हो गया था। जब मैं अभी 11.5 ही वर्ष का था तो मेरी एक संस्कृत कविता षड ऋतु वर्णनम इस नाम से तब जयपुर से प्रकाशित होने वाली संस्कृत पत्रिका संस्कृत रत्नाकर हमें प्रकाशित हुई थी, जिसके यशस्वी संपादक महामहोपाध्याय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने अपने संपादकीय टिप्पणी में मेरी उम्र का उल्लेख किया था कि ये कविता 11.5 वर्ष के बालक ने लिखी है। वो कविता यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई और फिर अनेक महाकाव्यों, खंड काव्यों, प्रबंध काव्य, पत्र काव्य में से होती हुई अब एक विश्व महाकाव्य की ओर उन्मुख हो चली है। संस्कृत के अनेक ग्रंथों के प्रणेता, अनेक कृतियों के रचनाकार प्राचार्य सत्यव्रत शास्त्री जी का 14 नवंबर 2021 को दिल्ली में निधन हो गया। उनकी दिवंगति साहित्य, शिक्षा और संस्कृत जगत की अपूर्णीय क्षति है। सत्यव्रत शास्त्री जी का योगदान, अवदान बहुत व्यापक और विस्तृत है। संस्कृत साहित्य के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर 2021 को सत्यव्रत शास्त्री जी की स्मृति में आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का आरंभ यज्ञ हवन पूर्वक हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यज्ञ और हवन के पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में आगंतुक, विद्वान, विदुषियों और परिजनों ने पुष्पांजलि समर्पित की। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में लगभग एक कालांश तक भक्ति संगीत का आयोजन किया गया। इस नशीवर संसार में मैंने महल पे महल बनाया। इस नशीवर संसार में मैंने महल पे महल बनाया। हर खजाने उस घर से जो अंत काम ले आया। जग की माया जग में छूटी, अब तो रो रो
भगत भर दे
बोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे में जगत का पान निहारा रे, जगत का पान निहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर रे, मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे, छोड़ भगत भर दे रे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे, भगत भर दे रे हाँ, भगत भर दे रे। Yeah.
कार्यक्रम में आए विद्वान विदुषियों तथा परिजनों से हमने शास्त्री जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में बातचीत की। पहली शादी थी हमारे घर में, हम लोग बहुत उत्साह से करना चाह रहे थे, तो उसके लिए कोई अच्छा वेद मंत्र चाहिए था, तो भैया ने उनसे प्रार्थना करी कि आप एक अच्छा सा दीजिए और उसका मुझे इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों में अनुवाद चाहिए। तो संस्कृत के बहुत सारे विद्वान, अधिकांश विद्वान या कह सकता हूँ कि लगभग सभी संस्कृत और हिंदी तो कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब ने वो तीनों में बहुत आसान तरीके से और कई बार बदलाव से, और वो हमारे परिवार में इतना पक्का हो गया कि वो कोई भी शादी का कार्ड उसके बिना छपता ही नहीं। वो डॉक्टर साहब की याद हमेशा दिलाता रहेगा। उन्होंने बहुत स्नेह से प्यार से वो आशीर्वाद दिया था। ऐसे व्यक्ति का चला जाना, इसको राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्कृत के सर्वोच्च पुरस्कार मिले, सर्वोच्च सम्मान मिले, ऐसे व्यक्ति का चला जाना सभी के लिए एक दुखद घटना है, परंतु यहीं पे आके हमें ईश्वर के आगे शीश नवाना पड़ता है। बलदेव कपूर जी सत्यव्रत शास्त्री जी और उनके परिवार से उनके आरंभिक दिनों से जुड़े हुए रहे। आइए उनके वैदुष्य के बारे में उनसे बात करते हैं। 1957 में मैं मैजिस्ट्रेट था अम्बाला जी। वहाँ इनके पिताजी चारुदत्त शास्त्री GMN कॉलेज में प्रोफेसर थे संस्कृत के, उनके बाद सत्य जी भी लेक्चरर रहे हैं वहाँ। मैं वहाँ क्योंकि मैजिस्ट्रेट था तो इनके अंकल मेरचंद जौली वहाँ पंजाबी मोहल्ला में रहते थे, वहाँ अक्सर हमारी मुलाकात होती थी। हम तीनों वहाँ इकट्ठे मिला करते थे और खूब बातें किया करते थे, और इन जैसे संस्कृत के स्कॉलर्स का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है जो मैं आजकल देखता हूँ। मेरा उनको शत शत प्रणाम। पिताजी तो कमाल के ग्रामेरियन थे, जर्मन भी उन्होंने पढ़ ली थी, तो एक दफ़ा मजाक में मुझे कहने, मैंने पूछा कि जर्मन लैंग्वेज कैसी है, कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में दो एक ही वर्ड के दो मतलब दो दफ़ा बोलते हैं, लाफ और स्माइल। जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में अगर लाफ है तो स्माइल को लेफ, यानी उससे ही डिराइव हो जाता है वो, क्योंकि ग्रामेरियन था, ग्रामर। मैंने कहा ये तो ठीक बात है। बहुत ही बड़े संस्कृत के विद्वान, मैंने उनका अनुवाद चंद्रिका पढ़ा भी है, 10वीं क्लास में मैं था, संस्कृत ले रखी थी, उनकी पुस्तक भी पढ़ा करता था। जब वो पुरी चले गए, वाइस चांसलर भी रहे उड़ीसा में, मैं तब भी उनको मिला करता था वहाँ जाकर। इतनी मॉडेस्टी, इतनी ह्यूमिलिटी मैं किसी इंसान में नहीं देखी। इतना बड़ा स्कॉलर होने के बावजूद बहुत ही मॉडेस्ट थे और ह्यूमिलिटी थी उनमें। मेरा उनको बार बार प्रणाम। उज्ज्वला जी, आप सत्यव्रत शास्त्री जी की
शिष्या रही हैं और आपने उनसे संस्कृत का पठन पाठन किया है, एक गुरु के तौर पर आप उन्हें किस रूप में देखती हैं? उनकी पढ़ाने की जो एक शैली और उनकी ज्ञान सृजन की जो शैली है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे उनके जैसे, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी जैसे विद्वान, उद्भट और उत्कट विद्वान मेरे गुरु के रूप में थे। मेरा परम सौभाग्य रहा ये। और मैं उनके विषय में तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी, मैं ज़रूर कहूँगी कि प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी के निधन से संस्कृत जगत में एक बहुत बड़ा शून्य क्रिएट हो गया है और एक महान सूर्य अस्त हो गया है। उज्ज्वला जी, शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की कोई ऐसी बात जो ये कह सकते हैं कि उनके शिष्य जान सकते हैं? देखिए, मेरा ये साथ ही साथ ये भी परम सौभाग्य रहा कि केवल शिष्या के ही रूप में मैं उनसे नहीं जुड़ी रही, बल्कि एक पड़ोसी होने के नाते भी मैं उनसे जुड़ी रही और निरंतर उनके संपर्क में रही। और मेरा ये होता था कि वो जैसे प्रवाह पतित चर्चा में कोई भी बातचीत आ जाती थी तो डॉक्टर साहब तुरंत उस प्रसंग के श्लोक निकाल देते थे, कोई भी प्रसंग हो, जो भी। ये मुझे आश्चर्य होता था कि जैसे एक चलती फिरती संस्था होती है, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, तो उनका संस्कृत वाङ्मय के जगत में उनका जो योगदान है वो तो अद्भुत योगदान है और बड़ा विपुल है, बहुत विपुल है और बहुत व्यापक है। कोई संस्कृत साहित्य का जो कानन है वो उसके लिए एक वसंत के समान थे, जैसे वसंत ऋतु में कोना कोना खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी के ज्ञान से जो संस्कृत जगत के ज्ञान का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो उपेक्षित रहा हो। रेखा जी, एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि जब भी मैं डॉक्टर साहब के यहाँ जाती थी, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी के यहाँ, तो एक नोटबुक ज़रूर लेकर जाया करती थी। और वो नियम था उनका कि पहले वो मुझसे सरस्वती वंदना सुनते थे और उसके बाद मैंने कहा मुझे कुछ उपहार में दे दीजिए, तो कहने और बातचीत में प्रवाह पतित में और नोटबुक में उनकी, मेरे पास जितनी सूक्तियाँ जो बीच बीच में उद्धरण देते थे वो सब मैंने मोती की तरह पिरो कर रखे हुए हैं, संजो कर रखे हुए हैं मेरे पास। विजय ठाकुर सिंह जी, आप सत्यव्रत शास्त्री जी को किस रूप में देखती हैं और उनका क्या योगदान मानती हैं? डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे परिवार के एक सदस्य थे और वो ऐसे सदस्य थे कि वो हर परिवार के हर सदस्य को स्नेह और प्यार देते थे। हम सब के लिए तो एक मार्गदर्शक थे, क्योंकि वो इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, कोई भी उनसे कुछ सवाल पूछो तो उसका जो जवाब देते थे वो इतनी गहराई से जवाब होता था कि आदमी को एक एक ठीक रास्ते पर चलने की वो इनकरेजमेंट मिलती थी और उस पर चलने का साहस मिलता था। और उन्होंने हमारे, जब हम एक अपना एक छोटा सा घर बना रहे थे उसके लिए हमको एक संस्कृत श्लोक चाहिए था और शास्त्री जी ने वो संस्कृत श्लोक निकाला और आज भी हमारे घर में है। ये हमारी भाग्यशीलता है कि शास्त्री जी की वो पंक्तियाँ जो हमारे घर में हैं, जिसकी वजह से हम एक तरफ से देखते हैं कि जो जीवन ये है ये दूसरे के कल्याण के लिए होना चाहिए और हर घर में शांति होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। हमारे पति ने किताब लिखी एक कविता की, तो उसकी जो भूमिका थी वो डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी ने लिखी थी और वो भी ऐसा एक संदेश था कि ये था कि जो हमारी संस्कृति है वो कितनी, उसमें कितनी विविधता है और कितना वो उसमें, कितनी रिच हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने विवरण किया था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को व्याख्यायित करते हुए ये कहा गया, बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, बहुत अपने सारे शिष्यों को पुत्र और पुत्रीवत प्यार करते थे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही महान था। इतने मीठे स्वभाव के, सबको अपना बना लेने वाले। अब मुझे समझ आता है जब मैं सुनती थी किसी और का, वाकई इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही कोई बड़ा बनता है। यही होता है कि स्वभाव अच्छा है, कार्य अच्छा है, विद्वान थे, बहुत अधिक अपने कार्य के प्रति समर्पित थे, भाषा को उन्होंने किस ऊंचाइयों तक पहुंचाया,
संस्कृत के ही नहीं, वो अंग्रेज़ी के, हिंदी के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। इसीलिए पूरे भारतवर्ष और विश्व में अपने आप को स्थापित कर सके, एक जगह नहीं रह पाए। यदि सिर्फ संस्कृत के पंडित होते तो शायद बाहर ना इतने, विदेशों में इतने प्रचलित ना होते, इतने उनकी पहचान ना होती। उत्तर भारत में रहते तो दक्षिण में ना हो सकती। तो सभी भाषाओं पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था और सभी किताब हिंदी में, अंग्रेज़ी में, संस्कृत में उन्होंने लिखी हैं। और इस प्रकार मैं आज उनको नमन करती हूँ और इस बात सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ और ये मेरी गरिमा है कि वो मेरे पिता थे, थे नहीं हैं और वो रहेंगे। उन्होंने इस लोक से प्रस्थान किया है और मोक्ष की तरफ पहुंच गए हैं। अब वो जन्म और मृत्यु से बाहर और बहुत ऊंचा चले गए हैं। मैं उनकी याद बचपन से देखता हूं, मुझे ये मालूम है। छोटा सा था मैं, मेरे ख्याल है शायद 4 या 5 साल का होऊंगा, तो तल्लीन थे अपनी पुस्तक में। मैं सर्दी का समय था और मैं ठिठुर रहा था, मेरे पैरों में शायद मोजे भी नहीं थे, तो मैं उनके पास आके खड़ा हो गया। मैंने उनको कहा, मुझे पाँव में ठंड लग रही है। तो एकदम उचक के ऐसे देखा, अरे तुम यहाँ थे, आ जाओ आ जाओ। उन्होंने मुझे गोदी में समेट लिया। मेरे पिताजी प्यार का एक अद्भुत पिटारा थे, जितना उंडेलते थे उससे बहुत ज़्यादा और आ जाता था। वो उन्होंने अपना ज्ञान, अपना प्यार और सृष्टि के जितनी भी अच्छाई है वो उन्होंने अपने मित्रों में, अपने छात्रों में, अपने संबंधियों में जी भर के बांटी। ऐसे हैं मेरे पिताजी, थे नहीं हैं। मेरे मित्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और वहाँ पर मैंने सब अपने मित्रों को बताया कि मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर समाप्त हो गया है और वो परलोक चले गए हैं, तो मैं शोक संतप्त हूँ। तो उनमें से एक मेरे बहुत बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा, शोक संतप्त ऐसा कैसे, सेलिब्रेट हिज लाइफ। उन्होंने जीवन में जो पाया वो बहुत कम लोग पाते हैं। जो उन्होंने दिया और जो उन्होंने विश्व को वापस लौटाया वो अनमोल है। सेलिब्रेट हिज लाइफ, ही लिव्ड हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। मैं एकदम संभल गया, मैंने कहा ये सही है। उनकी जिंदगी, जीवन एक ऐसा हमारे लिए माप है कि हम अगर उसको छूना भी चाहें, उस तरफ देखना भी चाहें, तो वो इतना ऊंचा है कि पहुंचने में बहुत समय लगेगा। और वो मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ कर गए हैं, 3 पुस्तकें मैन्युस्क्रिप्ट स्टेज में हैं, एक छपने के लिए बिल्कुल तैयार थी और मेरे से चर्चा किया करते थे कि ये पुस्तक वह सब जल्दी से निकल जानी चाहिए, इतना समय नहीं है मेरे पास, तो तुम प्रिंटर से बात करो, पब्लिशर से बात करो, जल्दी उनको बोलो सब करें। शायद वो जानते थे कि शायद उनका शरीर उनके पास ना हो, कि जो भी काम उन्होंने अधूरा छोड़ा उसे पूरा ज़रूर करूँगा। ये मैं नहीं जानता कि क्या उन शब्दों में, क्या उस सुरुचिपूर्ण व्याख्यान में,
क्या उस प्रतिभायुक्त तरीके से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो तो शायद संभव ही नहीं है। पर प्रयत्न ये ज़रूर होगा कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करूं। यही आशीर्वाद वो मुझे मिलेगा। समय समय पर दूरदर्शन ने सत्यव्रत शास्त्री जी से संबद्ध कई कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों का अंकन किया है। इस प्रकार संस्कृत के विद्वान प्राचार्य सत्यव्रत शास्त्री जी के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा का समापन हुआ।